तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं लकी रावत एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का आज के नए दिन के साथ नए ब्लॉग की। और जो हमारा रुद्रनाथ का ट्रैक चल रहा था, तो हमारा रात तक ट्रैक आधे तक चला और उसके बाद हम अगला दिन शुरू कर रहे हैं नई ट्रैक के साथ। तो यहाँ पे आपको जब कोई आएगा तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपको झंडे मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रैक नए दिन का शुरू हो रहा है। और ये हमारे प्रशांत भाई, मॉर्निंग अच्छा गौड़ गए हम, प्रशांत भाई बोलेंगे जरा कैसा लगा था आज का रात। बड़ा मजा आ गया, पूरा एडवेंचर, पूरा एडवेंचर में मजा आया। वैसे परमवीर भाई को ज़्यादा मजा आया होगा। परमवीर भाई, मैं तो कल रात तो फुल टाइट हो गया, आज मॉर्निंग में बैटर फील कर रहा हूँ। आज तो ऐसा फील आ रहा है। टाइट क्या, फुल टाइट ही बता दे, नहीं तो लोग गलत मतलब समझ देंगे इधर। फुल टाइट मीन्स मैं इतना काल पहली बार चढ़ा, पहली बार लाइफ में। बिल्कुल, और ऑलरेडी हमने 18 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, अभी 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो रहा है अभी। तो आज ऐसे यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है हम आसमान पे जमीन नीचे है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे हैं। और यही था हमारे घनी भाई जी बताएंगे क्या सा लगा। घनी भाई तब आज काफी लंबा सफर रहा। अरे हमारे खच्चर वाले भाई साहब है, इन्होंने खच्चर नहीं दिया हमको, हालत टाइट है हमारे, हालत टाइट है ये देख सकते हो। और ये हमारे अनु भाई, इनकी भी हालत थोड़ा टाइट लग रही है ना। ये हमारे पप्पी भाई है, टक्का टुक्का लेके तैयार हो गए है ना। 24 किलोमीटर डन उसके बाद अभी और है, उसके बाद और है अभी, पता नहीं कितना है, दिखा दे भाई एक बार। बाकी हम चलते हैं ऊपर ऊपर, पता नहीं कौन सी पहाड़ी में अभी वहाँ जाना है हमें, जहाँ तक मुझे पता है। वहाँ बैठे मेरे महादेव दोस्तों, यहाँ पे हवा चल रही है, इस वजह से मैंने ये अपना मुँह ढक रखा है, इसको अभी सर में लगा दूंगा, पूरा मुँह पैक कर दूंगा। तो बहुत भयंकर हवा चल रही है अभी, क्योंकि हम पहाड़ी में एकदम से पकड़े वाली। ये लोकेशन तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे पुरानी। दोस्तों यहाँ पे है प्रवेश द्वार, यहाँ से देखते हैं कितना चढ़ना है हमको अभी। तो बाकी हम टोटल तो लास्ट में बताएंगे एक्यूरेट। मैं आपको एक नए दोस्त से मिला था अपने, आया या एक नौ क्या शेरू, इसका नाम शेरू है, नया दोस्त हमारा, हबीबी। ये हमारे हबीबी कम टू उत्तराखंड वाले देख सकते हो, हबीबी कम टू उत्तराखंड। तो अभी रास्ता काफी अच्छा लग रहा है, दूसरों की बीबी कम उत्तराखंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ट्रैक का सुंदर सा नजारा। और ये हमारे परमवीर भाई, और नीचे में है पप्पी भाई, और दो बंदे हमारे ऊपर, तीन हैं बहुत नीचे, और ये हमारे शेरू भाई। तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत प्यारी है, बुग्याल ये देख सकते हो, लेकिन जब थोड़ा इनमें धूप चमकेगी ना बहुत ही प्यारा लगेंगे, क्योंकि अभी सही से दिख नहीं रहा है। और ये देख सकते हो हम सुबह सुबह आगे के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। हाँ देख सकते हो लोकेशन है एक नंबर वाली भाई साहब। मनोरम। और दोस्तों जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आपको घर दिख रहा होगा हल्का सा, वहाँ से आते आते ना यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे साथी लोग अभी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक हमारा बर्फीला भालू चढ़ाई चल रहा है, बर्फीला भालू। और ये देख सकते हो ड्रोन भी आ चुका है ऊपर से। और ये तो अभी ट्रैक बहुत तगड़ा चल रहा है, ये सूर्यदेव का सूर्य उदय हो चुका है। और देख सकते हो यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे बुग्याल, लेकिन अभी धूप तगड़ी वाली नहीं चमकी, तगड़ी वाली धूप चमकेगी तो और मजा आएगा देखने में। देख सकते हो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हम, रात को ही हमने ट्रैक किया और यहाँ पे हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, इसके बाद हम चलेंगे ऊपर। ये देख सकते हो रास्ता दिख रहा होगा आपको, पिज्जन नहीं घुमाया वो नहीं दिखा लोगों में, फिर ये चेक कर सकते हो हमारे नीरू भाई और प्रशांत भाई को। हम तीन बंदे जो हैं लगे हुए हैं
आगे आगे, और यहाँ ऊपर है जंगली बकरियाँ, वो तो हल्की हल्की दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी वैसे तो, लेकिन देख सकते हो यहाँ से सुंदर से नज़ारे पूरा झुंडा इनका। ये हबीबी कम टू उत्तराखंड देखने लग गए और पूरा झुंडा उनका। ये देख सकते हो बुग्याल, तो जो कहते हैं ना जन्नत कहाँ है, जन्नत यहाँ है भाई साहब। देख सकते हो आप लोग क्या बुग्याल लगी है, एकदम मस्त मस्त घास। ये दिख रहा होगा ये हिरन, हिरन नहीं जंगली बकरी, हिरन भी बोल सकते हैं इसके लिए। देख सकते हो इन्हें खक्ष रास्ता इन वादियों में टकरा चुके हैं दोस्तों हम, घबरा चुके हैं। ये चेक कर सकते हो भाई साहब, हर जगह में ऐसे पहुंच रहे हम, और उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी आएगा मंदिर, अभी आएगा मंदिर, लेकिन मंदिर तो नहीं आने का भैया, ना आने का मंदिर। और दोस्तों फाइनली हम लगभग मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर होगा घूम फिर के रास्ता है। तो यहाँ पे ये पहाड़ी दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी वाली उसी के नीचे है। तो काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पहुँच के, और थकान भी लग चुकी है, लेकिन थकान अब ना एकदम से थोड़ा थोड़ा करके गायब हो रही है, क्योंकि यहाँ अलग लेवल का सुकून है। और जो यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है ना, तो वो एकदम और अलग लेवल का है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ व्यू, और पीछे का तो अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी धूप इधर की साइड है, उधर की साइड नहीं गई, तो मैं थोड़ा ठंड लग रहा था, और ठंडा भी बहुत है जिसके कारण थोड़े धूप में बैठे। अच्छा जी, तो ये हमारे नीरू भाई को भी ठंड लग रही है, यहाँ पर ना हवा चल रही है बहुत तेज, हाइट में है कि इस वजह से ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, और सामने बर्फ भी पड़ रखी है। देखो देख सकते हो आप ग्लेशियर, क्योंकि कैमरे में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ग्लेशियर दिख रहे हैं यहाँ से बर्फ के। तो आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ गाइस, और ये देख सकते हैं आप लोग सुंदर से नज़ारे उत्तराखंड के रुद्रनाथ मंदिर के। और ये है रास्ते की बैक साइड में, और यहाँ पे मंदिर टाइप के छोटे छोटे बना रखे हैं कुछ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर देख सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े चट्टाने पत्थरों की, और फूल भी खिल रखे हैं यहाँ पे पीले पीले कलर के, मस्त वाले प्यारे प्यारे। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नीचे की लोकेशन, देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे ना जब पानी भरेगा ना तभी बहुत मस्त लगेगा। फिर ये देख सकते हो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये देख सकते हो। मैं अपने YouTube का नाम बदलने जा रहा हूँ, तो आप अपने मेरे चैनल का नाम सजेस्ट करेंगे प्रशांत सर, जरा बोलिए। चलो बाद में सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे सजेस्ट क्या करना, नाम ही देखना सीधा है ना। ये पहाड़ी देख सकते हो आप लोग एकदम प्यारी 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 थक थक। और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे मंदिर का दूसरा गेट मिला हमें, और अभी यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता और है। भाई ने बताया हमको, एक भाई था, और देख सकते हो हमने सोचा कि यहीं पे है ये झंडे चमके, और हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ से 1.5 घंटा और है 1.5 घंटा और है। पर अमीर मैंने कैलाश उठाया था ये चेक कर सकते हो भाई साहब आप नज़ारा यहाँ से एक बार फिर से, काफ़ी अच्छा नज़ारा। लेकिन मैंने सोचा था अभी कि हम पहुँच गए हैं, लेकिन हम नहीं पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर है। अभी ये आपको रास्ता दिख रहा होगा बीच बीच में कटिंग करते हुए, तो वहाँ पे वहीं चलना है हमें, बहुत ही दूर है अभी, बहुत ही दूर। और ये एक चीज़ अनोखी चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, जो जिसको बोलते हैं मर्च या डिबरे, और मर्चों के बकरे बोलते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है, और दिख रहे होंगे आपको ब्लैक ब्लैक पूरी भेड़ बकरियाँ ऊपर है, यहाँ पे भेड़ ही भेड़ है। कुत्ते नहीं दिख रहे इनके यार, इनके कुत्ते नहीं दिख रहे अभी फिलहाल। चल चल चल, तो ये देख सकते हो आप लोग मर्चा बकरे, और वहाँ से आ रहे हैं ये चरा चरा के, देख सकते हो आप लोग
काफ़ी मनमोहक दृश्य, बहुत सारे होंगे, नहीं हुए होंगे, हजार तक तो होंगे, है ना। वो देख समझ गया, वो देख तुम तो नहीं पछाड़ दो भाई, मैं पछाड़ दो ना, आ देख यार, बै कह रहे बकरियां हैं ऊपर, मैं और बकरियां यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हैं बकरियां, मैं ये देख सकते हो, बिको ऑप्शन में बिको ऑप्शन क्या वो चंदू बहो यहाँ का, ये देख सकते हो बुग्याल के नज़ारे एकदम प्यारे प्यारे से, मस्त वाली घास और नाग वाली सब्जी, नाग पानी की सब्जी। अरे नीचे की साइड भी देख सकते हो आप लोग, पप्पी भाई ने ऐसे लिंगोड़ा थाम लिया था, लिंगोड़ा ही है भाई वो, ले जाने वाला घर, पप्पी भाई ने बोला लिंगोड़ा है वो, बाद में पता चला कि वो जहर है, ठीक हो मैंने खाया नहीं। ये चेक कर सकते हो, लेकिन महादेव कहाँ बैठे हैं ये पता नहीं चल रहा अभी तक। अभी कितना होगा भाई, करीब 2-2 किलोमीटर, मतलब कितने टाइम लग जाएगा आपको? हाँ, एक घंटा, एक घंटा भाई साहब यार। अच्छा वो है यार सामने, बहुत टाइम ने भी, अरे ये तो है वो घंटा भाई, इसका घंटा था वो, ये चेक कर सकते हो, यहाँ से दिखाएंगे हम आपको, यहीं से दिखा देते हम आपको, क्योंकि आप यहाँ आने की कोशिश मत करना अभी फिलहाल, कोशिश मत करना, जो बुजुर्ग लोग होंगे, क्योंकि आना तो अपने रिस्क में आना भाई, जो आपके पास हिम्मत है, हाँ हिम्मत है तो तगड़ी भाई हिम्मत है तो आ जाना, अभी देख सकते हो यहाँ से भी ना, सही बात है, एक घंटा लगेगा बहुत से बहुत, अगर आपके पास मेरे से ज़्यादा हिम्मत है तभी आना, कम है, कम है, चलो किसी ने तो बोला कम है, नहीं तो सब वो रहे एक घंटा है, ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, लेवल सिस्टम प्रमोशन ही गई, एली एली बेटा एली कल नहीं जिद गोमछा में घोर मार रहा। प्यारी सी लोकेशन के साथ हम लगभग काफ़ी किलोमीटर हमने तय कर लिया है, और ये देख सकते हो भाई साहब हालत बहुत ख़राब हो गई यार सच में, ये देख सकते हो हमारे भाई लोग यहाँ पे लेट चुके हैं, और ये बुग्याल देख सकते हो काफ़ी प्यारे प्यारे घास, ये लेवल सबके निकलेंगे, हाँ हमारे निकल गए, मेरे तो वहाँ तक है बस, वहाँ तक है, वहाँ बैठे मेरे, वहाँ बैठे मेरे महादेव, ये महादेव थोड़ा हरमत नहीं मिले तो जगह, अरे महादेव पाखो भी जगह चेंज, और साथियों मेरे मित्रगण पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पे, और देख सकते हो निशान लगा रखा हमने, निशान क्या लगा रखा मतलब यहाँ पे हरी हरी घास है, बुग्याल वाली भी है और ऐसी वाली भी है, तो कोई देख सकते हो ये हमारे पिंटू भाई तो बुग्याल वाली घास में बिस्तर है, मस्त वाला लगा फीलिंग वाला, अरे देख सकते हो ये पप्पी भाई पूरी नींद घुनुज मगर ये तो पूरी गहरी नींद में है, और ये हमारे नीरू भाई तो चश्मे लगा के लेट रखे हैं यहाँ पे, एकदम मजे ले रहे हैं, परमवीर भाई भी तो एकदम फ्लैट है अभी, इनके लेवल तो निकल चुके हैं, अरे हमारे घनी भाई भी थोड़ा बहुत थक चुके हैं अभी, हम अभी ठीक है मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत थकान लगी चुकी है, अरे हमारे
चाचा जी, चाचा नहीं, चाचा मैं हूँ, ये हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे जी हैं जो कि काफी थक चुके हैं। नहीं नहीं थका नहीं है, इतना नहीं है, सरदर्द हो रहा है बस। सरदर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये हमारे अनु भाई जी थक गए, ये थक गए हैं, पैर में दर्द हो गया, लेवल निकल गई। 26 किलोमीटर, 26 बिल्कुल सही बात है, 6 किलोमीटर बोल बोल के 26 किलोमीटर चढ़ा दिया ना। 1 किलोमीटर और इसको पूछो, बोलना 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 1 घंटा है रहे इसके पार। और दोस्तों यहाँ पे चलना हमने, यहाँ पे कहाँ पे, वो ये वाली लोकेशन है, बहुत ही भयंकर। ठंडा भी लग रहा है, गर्मी भी हो रही है, सब मिक्स चल रहा है भाई साहब। तो इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, प्यारी सी, इसलिए हम यहाँ पे फुल आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे। हम देख सकते हो भाई साहब, थोड़ा देर आराम करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने, ना रुकना भाई, 2 रात से रुके हैं यार। तो हम अपने जो मंजिल की तरफ निकल रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा फोटो शूट भी किया और रील वगैरह भी बनाई हमने परमवीर भाई की। परमवीर भाई कहाँ गया, परमवीर यही है पीछे, हाँ खुश हो रहा है, फोटो शूट भी किया सबका। और इसके बाद हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, अभी भी लगभग 2 किलोमीटर बचा हुआ है। तो आवाज़ देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि हालत कैसी है हमारी। यहाँ फूल देख सकते हैं, कितने सारे फूल हैं, ये चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फूल है वो, ग्लेशियर भी है उधर, आपने तो कभी देखी नहीं होंगे, आपने कभी देखी नहीं होंगे। ग्लेशियर इधर भी, ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी है, बर्फ है वो, ग्लेशियर नहीं है, बर्फ है वो, बर्फ वही, हाँ ये जब घाम ये हेलीकॉप्टर के सुंदर सुंदर नजारों के साथ हसीन वादियों के बीच पहुंच चुके हैं हम। लगभग अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है, जो भी आ रहा है बोल रहा है 1 घंटा 1 घंटा, पर 1 घंटा नहीं आया वो, अब लग रहा है कि 1 घंटा अब लगेगा फिर से, है ना परमवीर भाई। ये चेक कर सकते हो, मस्त एकदम ग्रीन वैली, ये चेक कर सकते हो बुग्याल। अरे यहाँ से चलना हमने वहाँ, और दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम फाइनली मंदिर में, और मंदिर के अंदर तो वीडियो नहीं बनाने देंगे क्योंकि फोन भी नहीं चलाने दे रहे हैं, तो यहीं तक है मंदिर के बाहर ही होगा, तो जो है यहीं तक है। वीडियो कॉल कर, आजा आजा यार लेट मत करो, मंदिर के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, मंदिर के अंदर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ आना पड़ेगा आपको मंदिर के अंदर, हम मंदिर के बारे में जानने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि हर बात हम ब्लॉग के माध्यम से दिखा देंगे तो फिर तुम आओगे नहीं। मैच भी खेल सकते हैं आप नीचे, वो क्या तालाब खचरों है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम सरस्वती कुंड में जल लाने के लिए, ये देख सकते हो लोटा, और फोटो वीडियो तो उन्होंने बंद कर रखी है हमारे लिए, क्योंकि बस ब्लॉगर आ रहे हैं और वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो बदतमीजी हमने करी नहीं फिलहाल, क्योंकि फिर हम बदतमीजी कर रहे तो नाम आ जाता पौड़ी वालों का, इसलिए बटन जड़ी बूटी देख लेगा ना, छोटी छोटी बात नहीं ब्लॉग में, छोटी छोटी बात, कहा एक पेट खराब क्या वो, ये पापी पापी हो गया मेरा, आप ठीक हो गया वो यार। अरे अब हम जा रहे कौन सा कुंड है, सरस्वती कुंड, हाँ जल लाने के लिए, जल चढ़ाना है शिवलिंग में, और थोड़ा वे कबाल में बेचान ठंडी फुट जाती हूँ भैंस क्या, मुझे आज चढ़ाण हो जाए जो सब परेशान हो नहीं जाएगी, सब हम गाल दे ना वे की नॉन जो वो भी चढ़ाण हो। और ये है सरस्वती कुंड, यहाँ से लेके चलेंगे जल नहाना, इस गणेश कुंड, गणेश नारद, नारद कुंड, ये है सरस्वती कुंड। ओ बेज अंकल बकुर कद को होले एक बकुर बकुर हाँ बकुर चाणो कद को होल हाँ कुत्ता देख भैंस क्या बकुर बकुर लगोटिया हाँ ये दोस्तों यहाँ पे भी ना मर्चा बक रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये वाली लोकेशन में ना पूरे भर रखे हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुत्ता भी है उनको देख, कुत्ता का खाना सी होगा, कुत्ता बच्चा का बंदे ने बच्चा, ये देख सकते हो यहाँ पे भी सो रखा है कुत्ता। तो यहाँ पे भरते हैं पहले जल, उसके बाद फोटो शूट करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम घर।
यह तो हमारे दोनों भाई भर रहे हैं जल। हम परे से भरते हैं। चल 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 जब जागो तब सवेर है। ये और दोस्तों यहाँ से मंदिर के दर्शन करके हम निकल चुके हैं घर के लिए। घर के लिए और हम गए थे रुद्रनाथ के मंदिर जो कि लगभग 25 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो कोई आना चाहेगा तो पूरी तैयारी में आए, अपना फ़ोन चार्ज करके लाए नीचे से ही क्योंकि यहाँ नहीं होगा। पावर बैंक, पावर बैंक लाए साथ में और खाने के गर्म कपड़े, खाने का सामान लाए आना कुछ। खाने का कपड़े कम लाए, कम है खाने के लिए, कपड़े कम लाए लेकिन खाने का सामान ज़्यादा लाए। हमने डेढ़ दिन से कुछ नहीं खाया और बाकी तो मजे ही मजे, बाकी तो मजे ही मजे पप्पी भाई। तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे आगे, अभी आपको हसीन वादियाँ दिखाएंगे। अरे नहीं मजे ही मजे। और दोस्तों ये मिल चुके हैं हमको हमारे जोड़ीदार जो खो गए थे जंगल में। अरे हमारे अभी भाई कैसा लग रहा है? सॉरी गोगी भाई, बढ़िया लग रहा है मुझे, एक नंबर लग रहा है, मजा आ रहा है। लेवल सबके निकले, भाई निकल चुके हैं, आपके निकले, हमारे निकल चुके। कैसा लग रहा है भाभी? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया था। ये हमारे पिंटू भाई है, आप भी भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहुंचे नहीं, डेस्टिनेशन दूर है। कितना टाइम लगेगा आपको चढ़ते? चढ़ते बस 5 घंटे लगे। 5 घंटे वहाँ जाके भाभी जी बताइए जरा। अरे बड़ी हालत खराब हो गई, बहुत मुश्किल ट्रैक है, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड। भाभी जी कल्ला हूं तो भाई कह रही आप है। तो दोस्तों ये देख सकते हो काफी थक चुके हैं और हम तो आ चुके हैं दर्शन करके, लेकिन ये लोग अभी जा ही रहे हैं। तो बाकी हम यही पहाड़ है, बस यही वाला पहाड़ है। चलो ठीक है, ओके गाइस। और ये चेक कर सकते हो भाई साहब, इतना भयंकर पहाड़ है ना, पूरा 90 डिग्री बोलते जिसके लिए, वो वाला पहाड़ है यहाँ पे। और इसी के बीच रास्ता भी है ना। तो नीचे से देखने में आप लोग जा या क्या क्या कहते हैं, सागर के सामने से आपको ये पहाड़ दिखेगा, यहाँ से इसको क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए जगह मिल जाएगी। अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि देख सकते हो पहाड़ की लोकेशन कितनी भयंकर है। और अब हम ना जंगल के रास्ते से गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है भालू, रिख, अनेक प्रकार के जंगली जानवरों का डर भी है, लेकिन हम तो हैं पहाड़ी अब प्लस पौड़ी के, तो हमको डर नहीं लगता है। हम देख लेंगे। तो देख सकते हो भाई साहब ये पहाड़ कितना भयंकर पहाड़ है यार, देखने लायक पहाड़ है, जिसको बोल रहे हैं पहाड़, ये है वो पहाड़। ये तो ये देख सकते हो सारे भाई लोग लगे हुए हैं रास्ते में।